सिंध की बनाई गई कमेटी कारोबार खोलने का फैसला करने में नाकाम हो गई। कराची के छोटे ताजिरों ने यकम रमजान से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। आज हमारे पास हम देखते ये हैं कि आज हमारे पास 22 तारीख हो गई है, 22 तारीख तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। आज हम इस इंतजार में, अब तक हमने रोका रहा सबको, ताजिरों का एक हमारे पास जम्मे गफीर है, ताजिरों का बहुत बड़ा प्रेशर है कि कुछ भी हो जाए हमारे कारोबार खुलवाए जाएं। सईद गनी साहब को फ़ोन करते रहे जो हमारे साथ हमारी टीम में शामिल हुए थे, सीएम साहब ने उन्हें हमारी टीम में शामिल किया था, नासिर हुसैन शाह साहब को हमारी टीम में शामिल किया था, हम उन्हें फ़ोन करते रहे, किसी ने फ़ोन उठाने तक की जहमत नहीं की। अब हम अगर हुकूमत को 2 दिन का वक्त देते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर हमारे SOPs ना दी गई, हमें SOPs के मुताबिक बाजार खोलने के ऑर्डर ना दिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाले, तो हम पहले रमजान से कारोबार खोल देंगे। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा ने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया, अब दुकानें खोलेंगे। कोरोना के मुतालिक जो गवर्नमेंट बता रही है, इतने आदाद शुमार कि इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोग इंतकाल हो गए, इतने लोगों की तकफीन हो गई, किसी मीडिया के लोग ने जाके देखा कि कितने लोग जो है वहाँ मौजूद हैं, कितने लोगों की तकफीन हुई और कितने लोगों के जो है अपना जो है सेहत याब हुए। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रा आप भी ज़रा हुकूमत से पता करें कि हमको भी दिखाया जाए कि कौन लोग जो बीमार हैं, कहाँ किनकी तकफीन हुई और कौन लोग जो है सेहत याब हुए, ताकि लोग आपके हम आपके लोगों के आँखों से देखना चाहती है वहाँ पर। अब आप लोगों की जो है कैमरे से देखना चाहती है आवाम कि आप लोग जो है बड़े परेशान हो गए। अब हुकूमत का जो है वो साथ इसलिए नहीं दे रहे कि हुकूमत का जो है जो बातें कर रही है उस पर अमल दरामद मुश्किल होने जा रहा है। जो ताजिरों का गिरफ्तार किया है उसको फौरन रिहा किया जाए। इंशाल्लाह ये मसला हम टेबल टॉक में मसले को हल करके रहेंगे, और जहाँ तक के 1 तारीख का हमने जो कहा है तो 1 तारीख को इंशाल्लाह, 1 रमजान को ये मार्केटें खोलेंगे। सिंध ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हुकूमती SOP का इंतजार नहीं किया जा सकता, SOP आए ना आए यकम रमजान से कारोबार खोल दिया जाएगा। हमारे कारोबारी औकात जो कि हमने कमिश्नर ऑफिस में तय किए थे, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हम उस पर अमल करेंगे। जो SOPs जो हम मान रहे, जो हमने लिख के दिए, हमारी तमाम तंजीमों ने राइटिंग में जो हमने कमिश्नर ऑफिस में SOPs जमा कराई हैं, हम उसकी पासदारी करेंगे और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना कारोबार 1 रमजान से हम खोल देंगे। जो भी SOPs निकालनी है वो अपनी SOPs के जरिए हमें बता दें कि आपकी दुकानें इस तरह खुलेंगी, लेकिन अब हम मुज़ाकरात किसी से भी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जो भी बात है हम अपनी दुकानें जो है 1 रमजान से खोलेंगे। अगर इस दौरान अपनी SOPs दे देती है हुकूमत तो वेल एंड गुड। कारोबार खोलने पर कराची में ताजिरों की गिरफ्तारी पर ताजिर अहदेदारों ने हुकूमत को वार्निंग दी है कि गिरफ्तार किए गए ताजिरों को फौरी रिहा किया जाए, बसूरत दीगर ताजिरों की बड़ी तादाद अपनी गिरफ्तारियां पेश कर देगी। फौरन से बेशतर इनको अभी छोड़ा जाए, फौरन से बेशतर। अगर नहीं छोड़ा गया तो जितने ताजिर खड़े हुए एक आवाज आप होके बताइएगा कि हम सब अपनी गिरफ्तारियां देने तैयार हैं। तैयार हैं, हम अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए आए, हमें भी गिरफ्तार करें, हम अपने दुकानों की चाबियां इनको देंगे, हम अपने दुकानों की चाबियां हिला के इनके रख देंगे इनके सामने, हमारे बीवी बच्चे आ जाएंगे कल, उनको भी जेल में डाल दें, ये तमाम लोगों को जेल में डाल दें, बंद कर दें। खुद करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फंड इनके पास आया है, कहाँ है वो फंड, किसको दिया इन्होंने फंड? या तो दे हमें वो फंड लाके, हमें वो फंड हमारे घर पे लाके दे, हमारे घर पे पहुंचाए तो फिर हम बोलेंगे जी हम घरों में बैठेंगे। हमारे पूरे क्या चाहिए ताजिर, आज एक आवाज है, एक प्लेटफॉर्म पर है और हम सब बंद करने के तैयार है, हम सब बंद होने के तैयार है। हम अपनी गिरफ्तारियां खुद पेश करते हैं इनको, हम अभी यहाँ थाने में खड़े हुए, जैक्सन थाने के बाहर, हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, हमें भी बंद कर देंगे।